माई नेम इज़ तालिब रियाज़ का आई रीड इन सेकेंड ग्रीन। हम विंटर वेकेशन के बाद आए हैं। मैं अपने दोस्त को मिस कर रहा था और टीचर्स को। मेरे लिए आपके यही मैसेज है, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करो और उनकी बात मानो और अच्छे तरीके से पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ शिबा रूरीन फ्राम क्लास सेकेंड सेक्शन येलो। मुझे मैडम्स और टीचर्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो मैं अपने टीचर्स को बहुत मिस कर रही थी इन वेकेशंस में। टिंग डोंग वेल पुसी इन द वेल हु पुट हर इन लिटिल टॉमी थिन हु पुल्ड हर आउट लिटिल टॉमी आउट व्हाट अ नॉटी बॉय व्हाट द पुअर पुसी कैट। मेरा नाम अली महलाल। मैंने अपने टीचर्स को बहुत मिस किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने टीचर्स मिले और अपने फ्रेंड्स से। मेरा नाम जैनब निसार है, मैं क्लास सेकंड में पढ़ती हूँ सेक्शन येलो। मैं अपने स्कूल वापस आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 3 महीने के बाद अपने स्कूल टीचर्स से मिले। मैं अपने स्कूल टीचर्स को बहुत मिस कर रही थी, तो फाइनली हम आ गए अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 महीनों के बाद स्कूल फिर से खुल गए हैं और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल आ रहे हैं और उनका जो एंथुजियाज़म है और खुशी है और वो उनके चेहरों पर ही झलक रही है। उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं कि 3 महीनों के बाद हम बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल। तो हमें काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये सेशन इंशाल्लाह बहुत कंस्ट्रक्टिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। उनकी हर किस्म की तरबियत जो स्कूल्स करते ही हैं माशाल्लाह, वो इंशाल्लाह ताला इस साल इंशाल्लाह अहसन तरीके से किए जाएगी। मज़ीद ट्रेनिंग्स, मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने का हमें इरादा है इंशाल्लाह। और इनके अंदर स्किलिंग और इनके अंदर वैल्यू एडिशन और इनके अंदर मॉरल एजुकेशन वगैरह की बहुत सारी कोशिशें हम लोगों को करनी है इंशाल्लाह। और हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस जो है टाइमली कम्प्लीट हो और हमारी तरफ से सारे बच्चों को इस्तकबाल है और हम अपने मीडिया भाइयों के लिए शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं हमारे स्कूल से मुतल्लिक। जो भी जब भी इस तरह की कुछ अनवानात होते हैं वो बहुत अहसन तरीके से इस चीज़ को कवर करते हैं। हम आप सब लोगों के मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला सारा साल खुशहाल रहेगा। अल्लाह ताला शानु हम सब को खुश और खुर्रम रखे अपनी इताअत और फरमाबरदारी के साथ। दुआ है अल्लाह ताला शानु हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार फिर हमें स्कूल आने का तौफीक दिया है और शुरू किया है हमने अल्लाह के नाम से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से। 3 महीने हो गए हैं कि स्कूल बंद हुए थे, 2.5 महीने तकरीबन, और आज
सारे बच्चे बहुत ही जोश के साथ स्कूल आना चाहते थे और माशाल्लाह वो यहाँ तशरीफ़ ला गए हैं। हमें बच्चों से मतलब है, बच्चों को पढ़ाना है तभी तो हमारा ये स्कूल चलेगा, सारे स्कूल तब चलेंगे और उस्ताद तब माने जाते हैं। असातिज़ा किराम के लिए तीन चीज़ है, तीन अशखास के लिए इकराम है, एक एम्बिया किराम के लिए इकराम है, एक अवलिया किराम के लिए इकराम है, एक असातिज़ा किराम के लिए इकराम है। और खुशी होती है उन असातिज़ा किरामों को जो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, गैरों को पढ़ाते हैं, ये जान के कि वो हमारे अपने बच्चे हैं और उनको रोशन करते हैं इल्म के नूर से। और अल्लाह का यही है पैगाम है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने बंदों को इल्म की रोशनी से आगाह कर दीजिए। और इसलिए आज हम भी खुश है, असातिज़ा किराम भी खुश है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खुश है और मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्रिसन पब्लिक स्कूल मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स का भी बेहद दिल की इमी गहराई से खुश आमदीद करता हूँ कि वो जोश खरन के साथ अपने लेसन प्लान्स के साथ आए हैं, प्रिपेयर्ड होके आए हैं और इंशाल्लाह हमारे क्लासेस आज लगातार चल रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं कि वाकई 2.5 महीने के बाद वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, अपने रफीक असातिज़ा किराम के साथ मिल रहे हैं और अपनी तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि आज स्कूल्स हमारी रीओपन हुए हैं ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद एंड जो बच्चों में हमने जोश देखा ना उससे हमें भी जोश आ गया। इट वाज रियली वेरी नाइस टू सी देम, यू नो इट वाज रियली हार्ट लिफ्टिंग टू सी देम ऑल गैदर टुगेदर एंड दे वर ऑल एंथुजियास्टिक, यू नो इन फुल कलर्स, बहुत ही एंथुजियास्टिक थे। असेंबली भरी पूरी आज हमारी हुई, यू नो एंड बहुत अच्छा लगा, रौनक सी लगी स्कूल में। और रहा सवाल एनपीई का, हम सब उसके लिए तैयार हैं, वी हैव ऑलरेडी डन प्रिपरेशंस फॉर दैट, यू नो हमने कुछ ट्रेनिंग सेशंस वगैरह भी हमारे कराए हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड वी ऑल आर रेडी फॉर। तो ये कहूँगी कि अल्लाह उनको हम हर चीज़ में कामयाब करें और साथ में ये कि वो जितने खुश आज दिखे साल भर इतने ही खुश दिखे, बिकॉज कभी कभी स्कूल बहुत बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन जो एक पहले दिन का जोश था वही जोश हमेशा उनमें रहे और इसी जील एंड जस्ट के साथ वो आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए, पूरे बच्चों के लिए।